आईपीएल 2021 में आज का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में चेन्नई का पलड़ा भारी नजर आता है। लगातार 2 जीत से उत्साह से भरी चेन्नई की टीम आज धोनी की कप्तानी में इस टूर्नामेंट में अपना विजयी अभियान जारी रखने के लिए उतरेगी। वहीं अपने पिछले दोनों मैच हार चुकी केकेआर की टीम इस मैच में जीत के साथ इस सिलसिले को तोड़ना चाहेगी। हालांकि केकेआर के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि वानखेड़े में ये इस सीजन का पहला मैच है और नए हालातों से तालमेल बिठाने में उसे वक्त लग सकता है। पिछले साल यूएई में खराब प्रदर्शन के बाद सीएसके की इस साल की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी और उसके पहले मैच में ही दिल्ली कैपिटल्स ने उसे 7 विकेट से मात दे दी थी। लेकिन इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम ने अपने चिर परिचित अंदाज में वापसी की और अपने पिछले दोनों मैच जीत लिए। टीम की ताकत बल्लेबाजी में उसकी गहराई है। हालांकि सलामी बल्लेबाज खासकर ऋतुराज गायकवाड़ अब तक इस टूर्नामेंट में उसको अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। मोइन अली अब तक इस सीजन में टीम की सबसे अहम कड़ी साबित हुए हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज गेंदबाजी में दीपक चाहर का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। वहीं केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत से शुरुआत की थी, लेकिन अगले 2 मैचों में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों पराजय से वो 5वें स्थान पर खिसक गया है। इयान मॉर्गन की कप्तानी में खेल रही केकेआर अपने अभियान को पटरी पर लाने के लिए टीम में कुछ बदलाव कर सकती है। सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा और शुभमन गिल अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब नहीं हुए। नीतीश राणा ने जरूर पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वहीं कप्तान मॉर्गन समेत कोलकाता का पूरा मध्यक्रम अब तक कुछ बड़ा योगदान नहीं कर सका है। आंद्रे रसल भी बल्लेबाजी में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, जो कि कोलकाता की टीम के लिए चिंता का सबब बन गया है। आज के मुकाबले में मॉर्गन शकीबल हसन की जगह सुनील नारायण को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। मॉर्गन ने अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह पर भी भरोसा दिखाया है और 3 मैचों में उनसे गेंदबाजी का आगाज करवाया है। तो ऐसे में कोलकाता की तरफ से आज के प्लेइंग 11 में ये खिलाड़ी मैदान पर दिख सकते हैं। नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयान मॉर्गन, सुनील नारायण, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती। वहीं चेन्नई की ओर से आज आपको ये प्लेइंग 11 खेलता नजर आ सकता है। ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसिस, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो और दीपक चाहर। बहरहाल अब देखना होगा क्या इस मैच में केकेआर जीत के साथ इस टूर्नामेंट पे वापसी करती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।